अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाएं और जाके वहाँ पे सिर्फ लिखें चिड़िया टूनी कार्टून्स तो आएँ आप लोगों के सामने। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 3 घंटे पहले वीडियो अपलोड हुई है 19,000 व्यूज़, यहाँ पे नीचे हैं 4 घंटे पहले हुई है 13,000 व्यूज़, एक दिन में 50,000, 2 दिन में 2 लाख, 4 साल की ये पुरानी वीडियो 330 मिलियन, एक दिन गुजरा है 28,000, 35 मिलियन, 3 लाख, 1.5 लाख, 25 मिलियन, 1,09,000, 2,13,000। इतनी ऑडियंस है, इतना यहाँ पे व्यूवर है इस टॉपिक का किड्स कंटेंट के अंदर के आप लोगों की सोच है। और अगर आप लोगों को मैं ये बात कहूँ कि ये मैं आप लोगों को 5 मिनट के अंदर बनाना सिखा दूँ तो कैसा रहेगा? बहुत सारे लोगों के जहन में ख्याल आ रहा होगा कि शायद कोई ग्रीन स्क्रीन होगी, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर फिर काइन मास्टर पर ले जाएगा ये वो वगैरह। अगर ये सब कुछ भी ना हो, 5 मिनट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ आप लोगों का पूरा कार्टून का एनिमेटेड वीडियो तैयार हो जाए तो कैसा? तो बिल्कुल आज की वीडियो में हम यही सीखने के लिए जा रहे हैं। तो जनाब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा 5 मिनट के अंदर। आप लोग जस्ट थोड़ी सी हिम्मत मारे तो 5 मिनट के अंदर आप लोगों का वीडियो जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलें जरा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, ये सारा काम मोबाइल के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को ये सारा प्रोसेस समझाता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया हुआ? भाई ये वीडियोज़ मैं किसके लिए बनाता हूँ? आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो फीडबैक में मुझे सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही दे दिया करें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जी। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, कैनवा की एप्लीकेशन हर किसी को पता है फ्री है, लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर्स पेड भी होते हैं, लेकिन फ्री से भी काम चल जाता है। एक बहुत ही अच्छा फीचर कैनवा ने इंट्रोड्यूस करवाया, फ्री अकाउंट बनता है इसके ऊपर, सारों को पता है इस बात का, ठीक है। उस फीचर को यूज़ करते हुए हमने ये सारी एनिमेशंस जो है वो क्रिएट करनी है। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने आना है सिंपली वीडियो, वीडियो के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये देखें क्रिएट ब्लैंक, क्रिएट ब्लैंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे एक खाली सा एनवायरमेंट आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पर अब आप लोगों ने ध्यान से जो मैं चीज़ें बताऊँगा एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये देखें यहाँ पे डिज़ाइन पे है, डिज़ाइन पे नहीं जाना, आप लोगों ने सिंपली एलिमेंट्स के ऊपर आ जाना है। जब हम एलिमेंट्स के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे आके आप लोगों ने कुछ भी सर्च करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लैंडस्केप सर्च करता हूँ, ठीक है, लैंड SCAPE लैंडस्केप, ठीक है। तो लैंडस्केप में सर्च करता हूँ तो यहाँ आप लोगों ने ग्राफिक्स में आ जाना है, ठीक है। ग्राफिक्स के अंदर ये आप लोगों को बहुत सारे लैंडस्केप मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने कोई उठा लेना है। तो कार्टून्स के लिहाज से जो हमें अच्छा लग रहा है वो ये वाला एक लग रहा है, ठीक है। इसको उठाएं, यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लें पूरी स्क्रीन के मुताबिक, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, ओके, बस इतना सा काम करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये अब आप लोगों का जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया, ओके। अब यहाँ पे आप लोग चाहते हैं कि पीछे से कोई दरख्त और हो जो हिलते हुए नज़र आए ताकि एक नेचुरल लुक आए, उसके लिए सिंपली आप लोगों ने दोबारा आना है यहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है ट्री, ठीक है। ट्री लिखेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये ट्रीज आप लोगों के सामने आ जाएंगे, ये लेकिन तो ये यहाँ पे सारे ट्रीज आप लोगों के सामने आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये तस्वीरें ना आएँ बल्कि हिलते हुए नजर आएँ, तो सिंपली ये सेटिंग का बटन है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आना है एनिमेटेड, इसको आप लोगों ने चेक कर देना है। जैसे आप लोग इसको चेक करेंगे वापस जाएंगे तो ये देखें ये सारे दरख्त आप लोगों को हिलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोई ये वाला दरख्त जो है, ठीक है, ये उठाते हैं और यहाँ पर ये लगा देते हैं। अच्छा, अब हमने ये दरख्त यहाँ पर लगाया, आप लोगों ने इसको साइज इसका बेशक छोटा कर लें और ये यहाँ पे लगा दें, ठीक है, ये इस जगह पे, ओके, यहाँ पे इधर लगा दिया। ये देखें इसके साथ ही यहाँ पे ये डुप्लीकेट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें एक और आ जाएगा, इसको इसके साथ लगा दें बेशक, ठीक है, या थोड़ा सा ये ऊपर करके जहाँ पे ये अच्छा लगे यहाँ पे इस जगह पर लगा दें, बेशक एक और डुप्लीकेट कर लें और इसको भी इसके साथ यहाँ पर लगा दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर ज़रा इसको आप लोग देखें तो बिल्कुल एक नेचुरल सी लुक आ रही है, फुल एनिमेशंस बन चुकी हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे आप लोग कोई और दरख्त लगा लें, फॉर एग्जांपल मैं उठा के ये वाला लगा देता हूँ, ये वाला दरख्त आप लोग यहाँ पे लगा दें, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों को ये भी हिलता हुआ नज़र आएगा, ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये इस जगह पर, तो ये देखें ये आप लोगों को हिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सिंपली इसको डुप्लीकेट करें, इससे थोड़ा सा आगे ये इस जगह पे लगा दें और इसको बेशक थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। तो ये देखें एक कितनी ज़बरदस्त एक नेचुरल सी लुक आ रही है, कि मतलब कि एक ऐसा ही बैकग्राउंड है जहाँ पे ये सारा काम, ये सारा एनवायरनमेंट बनने के लिए जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या आएगा, यहाँ पे अब आप लोगों ने सर्च करना है
फॉर एग्ज़ाम्पल आप चिड़िया की कहानी बनाने जा रहे हैं या शेर की या किसी भी बंदे की आपस में कन्वर्सेशन कराने जा रहे हैं, कोई कार्टून बनाने जा रहे हैं, वो कार्टून आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। मसलन मैं फॉर एग्ज़ाम्पल परिंदों की बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बर्ड्स लिखता हूँ, ठीक है। और वो मैंने चेक किया हुआ है, ठीक है, ये इसके ऊपर क्लिक करके एनिमेटेड मैंने चेक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आए वापस, कोई भी परिंदा यहाँ से उठा लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाला उठा लेते हैं, इसको उठाया यहाँ पे लगा दिया, तो ये देखें ये एनिमेटेड परिंदा है, ये जी उड़ रहा है। अभी हम इसको चलाएंगे भी, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे अभी हम इसको चलाएंगे, ओके। तो ये हो गया। अब दूसरा परिंदा भी हम चाहते हैं कि इसी की तरह का हो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो या छोटा हो, जो भी कर लें, या ये वाला उठा लें या ये वाला, जो दिल करता है आप लोगों का उठा लें, ठीक है। लेट सपोज के मैं ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है, ये इधर रखते हैं। इसका भी साइज़ करते हैं जी छोटा, या एक बड़ा हो जाए एक छोटा हो जाए, जैसे कि मतलब कि दो हैं परिंदे एक ही जैसे हैं, आपस में बात करना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। इसका मुंह इधर है, यहाँ पे ये फ्लिप है, फ्लिप पे क्लिक करें, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, मुंह इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल इतना सा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली ये करना है कि इन दोनों को चलाना है, उड़ाना है, ठीक है, और उड़ा के आमने सामने खड़ा करना है और फिर इनकी बातें स्टार्ट करा देनी है हमने, ठीक है। अच्छा, अब हम जब इसको उड़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये एनिमेट की ऑप्शन आ रही है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, तो अगर हम कोई यहाँ पे एनिमेशन करते हैं तो ये इस तरह की एनिमेशन है, ये देखें, ये हम तो चाह रहे हैं कि भाई जान ये उड़ता हुआ आए और दरमियान में आए, तो यहाँ पे ये देखें क्रिएट एनिमेशन की ऑप्शन दी है कैनवा ने, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, अब जैसे ही आप इसको उठा के जहाँ जहाँ तक जैसे घुमा के लाएंगे, एक बार ये पीछे लाइन उसकी कवर करेगा, उसी के मुताबिक ये उड़ेगा और मूव करेगा। कैसे, यहाँ पे ये इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये बस ये यहाँ मिड तक, आप देखें भाई जान मज़ा आ गया, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब बारी है जनाब इसकी, इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर आए और आराम आराम से इसको भी उड़ा के मैं इधर ही ले आया, ठीक है। बड़ा स्मूथली आप लोगों ने करना है, ठीक है, इसको यहाँ से भी स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये आ रहे हैं उड़ते हुए और ये यहाँ पे आके आपस में गपशप मार सकते हैं, ठीक है। ये आगे रुक गए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसको हम मतलब वापस हो गए, हम इसको यहाँ पे रोकेंगे, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ पे असल स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी क्या स्टार्ट होती है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है यूट्यूब पर, पुरानी वीडियोज़ उठानी है इंडियंस की, स्पेशली इसके ऊपर इंडियन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वहाँ से 2 मिनट की 3 मिनट की हमने स्टोरी निकालनी है, उसका पूरा हमने वॉइस ओवर बनाना है, ठीक है, मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेना है उसके वॉइस ओवर, एक एक चिड़िया की आवाज़ में दूसरा दूसरे की, मतलब कि आवाज़ें अपनी थोड़ी सी चेंज करके, ठीक है, या किसी एडिटर में आप चेंज भी कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, ठीक है। एक स्टोरी हमने बना ली फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो स्टोरी थी जनाबे वाला हमारी, जितने मिनट की उतने मिनट आप लोगों ने इसको यहाँ से यूँ खींच के ले जाना है, ठीक है, जितने मिनट की है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये देखें ये आगे जाके यहाँ पे इकट्ठे रुक जाएंगी और वहाँ पे आप लोगों ने इनकी सिर्फ बातें करानी है, और जब आप लोग इनकी बातें कराएंगे तो ये साथ ऐसे हिलती रहेंगी और सारा कुछ होता रहेगा। इसके अंदर आप लोग सीन चेंज करना चाहें, जहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल कोई घर लाना चाहते हैं, कोई कुछ लाना चाहते हैं, ठीक है, होम लाएँ, जो दिल करता लाएँ, तो ये देखें ये घरों के आगे कोई बनाना चाहते हैं, कोई खेतों में, कोई स्कूल में बनाना चाहते हैं, यहाँ पर स्कूल का बना दें, स्कूल लिखें, ठीक है, स्कूल्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे, सिंपली उठा के यहाँ से उठा के इधर डालना है आप लोगों ने और उसके सामने सारी बातें कराने शुरू कर देनी। ये सारी एनिमेटेड चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, फनकारी होगी सिर्फ आप लोगों के वॉइस ओवर के अंदर। एक मैं आप लोगों को एक और इसके अंदर शुगल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नया डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, नए डिज़ाइन के अंदर मैं यहाँ पर आता हूँ, इस जगह पर हम एक लेक का सीन बना देते हैं, ठीक है, जहाँ पे लेक में बतखें बैठी हूँ ज़्यादा सारी और आपस में गपशप मार रही हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को सीन बना के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास फिर एक एम्प्टी एनवायरनमेंट आ गया, यहाँ पे सिंपली दोबारा हम आए एलिमेंट्स के अंदर, एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे हमने लिखा सी लैंडस्केप, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा रिवर लैंडस्केप, ठीक है, इसमें ये मुझे प्यारा लग रहा है, इसको उठा के हमने डाल दिया इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे इसको कर लें थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, इसको भी कर लें थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आके आप कोई भी परिंदा दोबारा से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो हम दोबारा यहाँ पे आए, हमने बर्ड देखा, बर्ड के अंदर यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारे बर्ड होते हैं जो पानी के अंदर भी बैठते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डक कर लें, डक के अलावा कोई परिंदा कर लें, जो दिल करता है कर लें। यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ परिंदे मिलेंगे, ठीक है, जो आप लोग सोचेंगे वही आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं और ऊपर हम आके
दो परिंदे सर्च करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये एक ये उल्लू है, उल्लू को उठा लेते हैं जी, उल्लू यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये इस जगह पे, ये इस जगह पे, ठीक है। एक तो उल्लू बैठा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इसको कर लेते हैं, ठीक है, एक इसको बिठा लेते हैं ये इधर, ठीक है। पता नहीं ये परिंदा कौन सा है, क्या नाम है इसका, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है जी। तो हमारे पास दोनों परिंदे आ गए, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये भी है, ये भी है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है, इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा कर लें। असल में मेरे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, इसलिए ये परिंदे गायब हो जाते हैं, ठीक है। ये इधर कर लें, और दूसरा जो है इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं, ये है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यार ये इधर से चलते हुए यहाँ तक आएँ, ठीक है, इसको रखेंगे इस जगह पे, इसको भी रखेंगे हम इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे अभी वापस आएँ तो ये इधर खड़े हुए हैं, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे, एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, और इसको ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, चलाते हुए हम यहाँ तक ले आए, ठीक है। अब दूसरे की बारी, इस पर क्लिक किया, एनिमेशन पर क्लिक किया, इसको भी हम उठा के ऐसे 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 यहाँ पे ले आए, ठीक है, ये देखें जनाब, ठीक है जी, ये दोनों आ गए, और यहाँ पे आके ये मज़े मज़े की करेंगे बच्चों के साथ बातें, ठीक है। ये इसकी लेंथ जितनी लंबी करना चाहे कर लें, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। जहाँ पे जब इसको प्ले करेंगे तो ये यहाँ पे आके इकट्ठे खड़े हो जाएंगे, फिर ये हो सॉरी एंड पे ले गया मैं, यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। ये देखें, ये चलते आ गए, जहाँ पे आके रुकेंगे यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे, जो दिल करता है इनसे बातें करवाएं, जो दिल करता है स्टोरी बीच में डालें, ठीक है। एनिमेशन आप लोगों के पास तैयार है, करेक्टर आप लोगों के पास बने बनाए हैं, हिल भी रहे हैं, एनिमेटेड हैं, सारा कुछ है। ऊपर से कोई परिंदे गुजरवाना चाहें गुजार लें, यहाँ पे आएँ एलिमेंट्स के अंदर, यहाँ पे आके आप लोग लिखें सन, ठीक है, सूरज लाना चाहते हैं सूरज ले आएँ, बारिश लाना चाहते हैं बारिश ले आएँ, ये देखें सन भी मौजूद है यहाँ पे, यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं रेन, बारिश करवा दें यहाँ पे, ग्राफिक्स में आएँ तो यहाँ पे आप लोगों को बारिश भी मिल जाएगी। तो ये आप लोग देख रहे होंगे जिस वजह से थोड़ा सा इशू बन रहा है, ठीक है। ये बादल ले आएँ, सारा कुछ ले आएँ, यहाँ पर आ जाएँ, इस पर क्लिक करें एनिमेटेड, ठीक है, एनिमेटेड के अंदर जाएंगे, ये सारी बारिश होती भी आप लोगों को नज़र आएंगी, जो दिल करता है यहाँ पे आप लोग सारी सेटलमेंट कर सकते हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये वाला जो है इसको मैं उठा के यहाँ डाल देता हूँ, बारिश हो रही है, ठीक है, साइज़ इसका बेशक थोड़ा बड़ा कर दें, ठीक है, या इसका साइज़ छोटा करके दो बार डाल लें, एक बार इधर डाल लें, ठीक है, ये इस जगह पर, और एक बार दोबारा उठा के इस जगह पर डाल दें, ठीक है। मतलब जो काम करवाना चाहें यहाँ पर होगा, आगे करना आप लोगों ने है, स्टोरी आप लोगों ने बनानी है, वॉइस ओवर आप लोगों ने करना है, इसकी बैकग्राउंड के ऊपर ये ऑडियो है, चुप करके यहाँ पे आप लोगों ने ऑडियो उठा के यहाँ डाल देनी है, ठीक है। अपलोड्स में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अपलोड फाइल करेंगे अपनी, सॉरी इमेज पे आइए, इमेज नहीं, ऑडियो पे जाएंगे, ऑडियो उठा के यहाँ पे आप लोग डाल देंगे, अपलोड हो जाएगी, वही ऑडियो खींच के आपने इसके नीचे लगा देनी है, आप लोगों की वीडियो रेडी। अपनी ऑडियो के मुताबिक बेशक करेक्टर आगे पीछे भी आप लोग करते जाएं, कोई इशू नहीं है। तो भाई मेरा काम था आप लोगों को समझा देना, इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, स्टोरियां बनाना आप लोगों का अपना काम है। इतना आसान तरीका कार्टून्स बनाने का, अब मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा आप लोगों को कोई और समझाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान, जिंदाबाद।